नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूँ संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हमारे पास ऑल इंडिया लॉ एसोसिएशन फॉर जस्टिस के सदस्य हैं कृष्णा प्रसाद यादव। इनसे जानेंगे कई सवाल। सबसे पहले कि हिलसा में सर लगातार कुछ ना कुछ घटनाएं होती है। आज भी सुबह सुबह देखने को मिला है कि हिलसा के दो व्यवसायी जो सगे भाई की दुकान जल गया, उनका क्या कहेंगे? नमस्कार संतोष जी। हाँ, घटना तो लगातार घट ही रहा है। आज भी हिलसा में अब शॉर्ट सर्किट से हुआ कि कोई दुश्मन लगा दिया, ये तो पूरा पता। हम तो घटनास्थल पर गए और घटनास्थल पर जाके मुआयना किया तो देखते हैं कि पूरा का पूरा सामान जला हुआ है। लोगों ने बताया कि 1:12 के लगभग रात में लग गया था और जब दमकल आया तो उसे आग पर काबू पाया गया। तो हम लोग को जो बोलता है कि सरकार से मांग करते हैं कि दोनों भाई का जो दुकान पूरी तरह से जल गया, इनका बिजनेस जो तबाह हो गया, इसके लिए सरकार मुआवजा देकर के दुकान को खड़ा किया करे ताकि लोगों को जीवन गुजर बसर हो सके। यही बात हम लोग सरकार। बिहार में महागठबंधन की सरकार है फिलहाल, क्या क्या अभी चल रहा है प्रोग्राम? देखिए, जहां महागठबंधन का जो सवाल है तो महागठबंधन में जैसे देखिए 1977 में भी महागठबंधन था, भाजपा भी साथ था, लेकिन उस समय सिर्फ मंडल कमीशन जो है बन करके और मंडल कमीशन का पूरा अभी तक लागू नहीं किया गया है। अब है कि इसको लागू करने का जब बात होता है तो जनसंख्या का गिनती का बात होता है कि आपका जनसंख्या का गिनती है ये नहीं है तो 54% आपका आरक्षण कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले जातीय जनगणना कराई जाए और जातीय जनगणना करा करके पूरे देश में और जिसका जितना जनसंख्या भारी है उस हिसाब से आपका सत्ता में हिस्सेदारी। उस समय भी यही हुआ था कि सिर्फ एक जाति का IAS है 2200। आज भी उसी तरह से वो जी बोलता है कि IPS IPS IAS और IPS उसी जाति के लोग हैं। तो हम लोग को जातीय जनगणना करा करके सत्ता में भागीदारी, आपका नौकरी में भागीदारी, पदाधिकारियों में भागीदारी, देश की संपत्ति पर 90% हमारा जनसंख्या होता है बैकवर्ड के और OBC के SC ST के, तो 90% जनसंख्या का हमको पूरे संपत्ति पर जो देश का संपत्ति है जैसे रेलवे या बैंक या किसी एक आदमी के जिम्मे बेचा जा रहा है, नहीं, 90% हिस्सेदारी आपको OBC SC ST को देना है, चाहे जौन भी संपत्ति बेचिए और जौन भी काम कराइए, सत्ता में हमको 90% चाहिए। इसी पर 77 में आंदोलन हुआ था, 77 में सरकार बनाया था कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन आज तो कौजी बोलता है कि 70% कुछ की जातीय जनगणना का भी लगातार रोक लगा रहा है, जातीय जनगणना भी नहीं हो जा रहा है। तो हम लोगों को जितने भी देश की संपत्ति है और जो पढ़ाई लिखाई शिक्षण का व्यवस्था है सब में हमारा जनसंख्या के अनुसार सब में मुझे हिस्सेदारी चाहिए, IAS IPS में हिस्सेदारी चाहिए, सत्ता पर हिस्सेदारी चाहिए। इसी का लड़ाई था। मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया, आधे ही लागू हुआ, आधा से ज़्यादा बाकी रह गया। तो महागठबंधन का एक मूल मंत्र है कि हमको सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, सब चीज़ पर हिस्सेदारी चाहिए, पढ़ाई लिखाई में हिस्सेदारी चाहिए। और इसी के लिए महागठबंधन जो 77 का काम अधूरा है, मंडल जी का जो रिपोर्ट का अधूरा है, उससे पूरा लागू करने के लिए। और जो हिंदू मुस्लिम कोई झगड़ा नहीं है, हिंदू बेकार चिल्ला रहा है, यह अगड़ी पिछड़ी का लड़ाई है। ये सीधा सीधी एक अगड़ी जाति के लोग सभी पर 90% पर कब्जा किए हैं और SC ST OBC लोग 90% से वंचित हैं। तो हम लोग का हिंदू का लड़ाई कहीं नहीं है। जो भाजपा कहता है कि हिंदू खतरे में है, वह 100% गलत बोलता है। हिंदू खतरे में नहीं है, OBC SC ST खतरे में है। अब वहाँ राजदंड लगा दिया है, तो जहाँ राजा रहेगा तब वहाँ तो प्रजा रहेगा, तब प्रजा का तो वोट देने का अधिकार होता नहीं है, प्रजा का तो पढ़ने का अधिकार होता नहीं है, प्रजा का तो संपत्ति रखने का अधिकार होता नहीं है। अभी हम लोग भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक को ही वोट देने का अधिकार होता है, भारतीय नागरिक को ही पढ़ने का अधिकार होता है, भारतीय नागरिक को ही धन रखने का अधिकार होता है, भारतीय नागरिक को ही पद पर जाने का अधिकार होता है। तो हम लोग को राजतंत्र के पर्दा बनाना चाहता है, इसलिए महागठबंधन का है कि नहीं, हम लोग भारतीय नागरिक रहते हुए सारा सत्ता पर हिस्सेदारी हमको 90% जनसंख्या के अनुसार चाहिए। इसी बात के साथ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।